गाइस क्या आप लोग भी मेरी तरह फ्री का मैजिक क्यूब तो क्लेम कर चुके हो, बट अभी आप लोग बस एक ही चीज सोच रहे हो कि यार हम लोग मैजिक क्यूब से एक्सचेंज करके कोई नए बंडल्स वगैरह ले लें या फिर हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में कोई नए आइटम्स ऐड हो सकते हैं, तो हम क्या थोड़ा सा अभी इंतजार करें। तो इसलिए तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मैजिक क्यूब स्टोर में बहुत जल्द बहुत ही अच्छे अच्छे से कुछ नए आइटम्स ऐड होने वाले हैं। आप लोग चिंता मत करो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को इस मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी हां गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में कब कैसे और कौन से नए आइटम्स ऐड होने वाले हैं। देन फिर तो गाइस यार बस इतना ही नहीं, आज की वीडियो के अंदर तो और भी बहुत ही सारा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नए बनी बंडल्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा आज हमारे गेम के अंदर एक रिंग इवेंट आ रखा है जो कि यार बनी वाली थीम का है। गाइस बहुत जल्द हम लोगों को हमारे गेम के अंदर बनी बंडल्स भी देखने को मिलेंगे, आप लोग चिंता मत करो गाइस, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर तो गाइस आज की वीडियो में कुछ फ्री इवेंट्स का भी इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ यार आज तो मैंने आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स को भी पिक कर रखा है, तो इसलिए तो गाइस एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और यार आज की वीडियो के अंदर तो एंटरटेनमेंट भी बहुत ही कमाल का है। तो इसलिए तो गाइस यार अभी तो हम लोग फिलहाल बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नए बनी बंडल्स के बारे में। जी हाँ, तो गाइस देखो आज यानी कि 17 तारीख को हमारे गेम के अंदर ये बनी रिंग इवेंट आ रखा है। इसका मतलब तो यही होता है कि गाइस हमारे गेम के अंदर बनी थीम के आइटम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यार अगर तो हम लोग ये वाले रिंग इवेंट की बात करें तो गाइस यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़िया से आइटम है, जैसे कि गाइस हम लोगों को यहाँ पर ग्लू वॉल, गन स्किन, बैकपैक वगैरह देखने को मिल रहा है, बट गाइस यहाँ पर एक भी बनी बंडल नहीं है। क्योंकि तो यार जो हमारे गेम के अंदर आने वाले बनी बंडल्स हैं वो तो हम लोगों को कुछ इस तरीके के रिंग इवेंट में देखने को मिलेंगे। हाँ भाई, हमारे गेम के अंदर जो बनी बंडल्स का रिंग इवेंट आएगा उस एक ही रिंग इवेंट में हम लोगों को चारों के चार बंडल्स देखने को मिल जाएंगे। भाई सच में यार मैं तो इस रिंग इवेंट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई जब से ये बंडल हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हो रखे हैं तभी से यार मुझे ये बंडल बहुत ही पसंद आ गए थे। एंड यार अभी जब ये बंडल हमारे गेम के अंदर आएंगे तो यार मैं तो यहाँ पर से कोई ना कोई एक बनी बंडल तो जरूर निकालूंगा। बाकी गाइस क्या आप लोग भी इस रिंग इवेंट के अंदर से कोई बंडल निकालने वाले या फिर नहीं निकालने वाले, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बाकी तो गाइस यार देखो अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये बनी बंडल का रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आने के हवाले है। जी हाँ, तो गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यार आज यानी कि 17 तारीख से हमारे गेम के अंदर बनी थीम के आइटम आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि गाइस यार लगभग 22 से 23 तारीख के आसपास हम लोगों को ये वाले बनी बंडल्स भी हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए तो गाइस मैं तो आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि यार अभी से ही आप लोग अपनी मेंबरशिप वगैरह परचेस करके रख लो, जिससे कि गाइस यार जब ये बनी बंडल्स का रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आएगा तो आप लोगों के पास ऑलरेडी काफी सारे डायमंड्स होंगे। तो फिलहाल तो गाइस यार देखो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले बने रिंग इवेंट के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट फिटेड व्हील के बारे में। हाँ भाई, हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द बहुत ही कमाल का फिटेड व्हील आने वाला है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। मैं आपको बताऊं तो यार ये हमारा 6th एनिवर्सरी स्पेशल फिटेड व्हील है, और यहाँ पर जो फीमेल बंडल एंड बैकपैक अवेलेबल है ये भी हमारे 6th एनिवर्सरी की थीम के हैं। और यार वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो यार मुझे तो गाइस ये बैकपैक और ना ही यार यहाँ पर अवेलेबल फीमेल बंडल ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आए, बट फिर भी यार ओके ही है। तो ओवरऑल तो गाइस अभी आप लोग भी मुझे कमेंट से बताना कि आप लोगों को ये फिटेड व्हील कैसा लगा। और अगर तो गाइस अभी तो हम लोग बात करें कि आखिर ये फिटेड व्हील हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कब आने वाला है, तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर लगभग 1 से 2 हफ्ते में ही ये फिटेड व्हील देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, अब काफी जल्द ये फिटेड व्हील आने वाला है। तो ओवरऑल तो गाइस देखो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ बहुत ही कमाल के पेड इवेंट्स के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, जिन कमेंट्स को मैंने कल के वीडियो से पिक कर रखा है। जी हाँ, तो गाइस देखो यहाँ पर सबसे पहले कमेंट में इस भाई ने पूछा कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल प्लीज बता दो, इसलिए तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, यह है गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाला पुनीत कुमार स्पेशल गोल्ड रॉयल। लोकेश भाई रिलैक्स रिलैक्स, ये हमारे गेम के अंदर आने वाला गोल्ड रॉयल ही है, जो कि यार हमारे गेम के अंदर इसी मंथ जुलाई की 33 तारीख को आएगा। हाँ भाई मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, ना तो हमारी कभी 33 डेट आती है और ना ही हमारे गेम के अंदर कभी ये पुनीत सुपरस्टार का गोल्ड रॉयल आएगा। अब आए ना लाइन पे।
हाँ भाई, हमारे गेम के अंदर जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आया है वो अभी कंफर्म नहीं हो रखा है, तो इसलिए गाइस अगर आप लोग नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो। जैसे ही गाइस मुझे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के बारे में पता लगेगा मैं आप लोगों को खुद ही वीडियो बना के बता दूंगा, बट क्योंकि यार अभी नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रखा है, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी आप लोग यहाँ पर ये दूसरा कमेंट देखो, मैं आपको बताऊं तो यार इस बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज बताओ पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा। हाँ भाई, सच में जो पिंक डायमंड स्टोर वाला टॉपिक है, अभी के टाइम पे मुझसे कमेंट में बहुत सारे बंदे इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो अभी कुछ पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग खास लीक्स नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी यार मैं बहुत जल्द पिंक डायमंड स्टोर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें गाइस मैं आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर के रिगार्डिंग 100% कंफर्म न्यूज दूंगा। तो उसके लिए गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, तभी गाइस आप लोगों के पास पिंक डायमंड स्टोर के डेडिकेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाएगा। फिलहाल तो यार आप लोग यहाँ पर ये वाला कमेंट भी देखो, भाई इस बंदे ने कमेंट में बोला था कि गॉड भाई क्या इस दिवाली पर दिवाली विश इवेंट आ सकता है, क्या जल्दी बता दो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ भाई, इसकी गारंटी तो सच में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि भाई अभी दिवाली आने में बहुत ही ज्यादा टाइम है। यार अभी से मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि हमारे गेम के अंदर दिवाली विश इवेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके लिए गाइस अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक दिवाली विश इवेंट कंफर्म नहीं होगा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ गाइस यार मैं हमेशा ही आप लोगों को 100% रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बाकी तो गाइस यार देखो फिलहाल आज तो हम लोग इतने ही कमेंट्स पिक करते हैं, क्योंकि यार अभी मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना है। बट गाइस आप लोग चिंता मत करो, जो कल का वीडियो रहेगा उसमें मैं ढेर सारे कमेंट्स पिक करूंगा, तो इसलिए गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका कमेंट भी पिक करूं, तो उसके लिए यार सबसे पहले तो आप लोग आज के वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड देन आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे जाके एक प्यारा सा कमेंट करना है। जी हाँ गाइस, आप लोग कमेंट में किसी अपकमिंग इवेंट के बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट कल के वीडियो में जरूर पिक करूंगा। बट यार कमेंट करते समय आप लोग बस एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोग बस एक ही कमेंट ना करो। जी हाँ गाइस, आप लोग 3-4 कमेंट कर दे रहे हैं जिससे कि मुझे आसानी से आप लोगों का कमेंट मिल जाए और मैं उसे कल पिक कर सकूं। तो इसलिए तो गाइस यार अभी तो हम लोग फिलहाल बातों में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर देना। एंड गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, इस बार गाइस बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में हम लोगों को ये वाली M10 की स्किन साथ ही साथ एक वुडपीकर की स्किन भी देखने को मिले। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये दोनों गन स्किन लेजेंडरी तो नहीं है, बट फिर भी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर तो गाइस यार यहाँ पर दो बंडल भी अवेलेबल है, जिसमें से एक फीमेल बंडल है और एक मेल बंडल है। मैं आपको बताऊं तो यार ये 4 आइटम अभी रिसेंटली हमारे गेम की फाइल के अंदर एड हो रखे हैं, तो यार बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि 25 तारीख को ये चारों के 4 आइटम हम लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिले। एंड हां गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ ये 4 आइटम ही नहीं, कुछ और भी आइटम्स के लीक्स आ रहे हैं। अभी तो गाइस यार स्क्रीन में आप लोग इस मैजिक क्यूब स्टोर को भी देखो, मैं आपको बताऊं तो यार इस मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर भी 4-4 लेजेंडरी गन स्किन अवेलेबल है। इसलिए तो गाइस यार इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि 25 तारीख के मैजिक क्यूब स्टोर में हम लोगों को ये 4 गन स्किन भी देखने को मिल सकती है। और यार वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक किंगफिशर की स्किन भी है, जो कि अभी रिसेंटली ही हमारे वेपन रॉयल में आई थी। बाकी तो गाइस यार इसके बाद यहाँ पर आप लोग अवेलेबल कुछ और भी बंडल्स देखो, मैं आपको बताऊं तो यार बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि हम लोगों को ये बंडल भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में 25 तारीख को देखने को मिले। बट यार मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक ऐसा बंडल भी अवेलेबल है जो कि हमारे अभी के टाइम पे FF टोकन एक्सचेंज स्टोर से मिल रहा है, इसलिए गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ये बंडल हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में नहीं आएगा। बट तो गाइस यार फिर इसके अलावा यहाँ पर जितने भी सारे बंडल्स हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि 25 तारीख को ये सारे ही बंडल हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में देखने को मिले। हाँ गाइस यार, इस बार का मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि यार इस बार हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में बहुत सारी गन स्किन और बहुत सारे बंडल्स जो आने वाले हैं। ओवरऑल तो गाइस यार उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ आज का पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो तो गाइस अभी तो हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।